वेलकम फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग सरल इंग्लिश गुरु, अ स्टेप टुवर्ड्स इंग्लिश वर्ल्ड। और हमारे साथ सीखे बहुत ही आसान तरीके से इंग्लिश। दिस इज सुरेश मोहर। और फ्रेंड्स, आप अपनी नोटबुक पेन कॉपी निकाल करके तैयार रहिए। और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, हमारे सेंटेंसेस जो हमारे डेली पैटर्न सेंटेंसेस हैं, हम जो रोज उपयोग आने वाले सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं, उसकी अगली सीरीज में हम पढ़ते हैं कुछ हमारे और सेंटेंसेस जो हम फॉर्मूले याद करिए। अभी हमने पिछले वीडियो में हमने सेंटेंसेस बनाए, आपने पढ़ा है, हमने जो सेंटेंसेस बनाया डेली पैटर्न रोज उपयोग आने वाले सेंटेंसेस विल हैव से विल हैव टू के हमने जो फॉर्मूले यूज किए थे, जिसमें हमने कुछ पहचान देखी है, हमें कोई काम करना पड़ेगा, कोई काम करनी पड़ेगी, नहीं पड़ेंगे। हमारे जो सेंटेंसेस थे वो हमें कोई मजबूरी बताने वाले सेंटेंसेस थे, जिसमें हमें कुछ करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, जाना पड़ता है, जाना होगा, इस तरह के कोई सेंटेंस थे जो हमें फ्यूचर में दिखाना था, दिखाना पड़ेगा, ऐसा सेंटेंसेस था। तो आपने पिछले वीडियो के साथ में पढ़ा है। अगर आपने नहीं देखा है, आप इस वीडियो को आज देख रहे हैं, तो पिछले वीडियो के साथ में जरूर देखने की कोशिश करें। हमारे डेली पैटर्न सेंटेंसेस में जो हमने प्लेलिस्ट में डेली पैटर्न सेंटेंसेस रखे हैं, वहां से आप समझ पाएंगे कि किस तरह से डेली पैटर्न रोज उपयोग आने वाले हमारे वाक्य होते हैं, हम उसे किस तरह से हमारे जीवन में रोज बोलते हैं, हमें इनका उपयोग करना ही पड़ता है। तो ऐसे सेंटेंस जो हमारे डेली पैटर्न सेंटेंसेस हैं, हम उनकी अगली शुरुआत करते हैं। और एक बार और बना करके हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो हमारे सब्जेक्ट विल हैव टू और हमारा जो वर्ब होगा फर्स्ट फॉर्म, उसे किस तरह से हम दैनिक जीवन में हम कैसे रोज रोज बोलने की कोशिश करते हैं। तो हम जो अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने जा रहे हैं वो हमारे सेंटेंसेस, आप एक एक करके वहाँ पर अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि अभी जो दो एग्जाम्पल हैं उसे किस कक्षा को पढ़ाना होगा, पढ़ाना पड़ेगा। तो हमारा विल हैव टेस्ट जो होगा विल हैव टू से बनने वाला सेंटेंस होगा। उन्हें देर तक ऑफिस में क्यों बैठना पड़ता है, क्यों रुकना पड़ेगा, ऐसा सेंटेंस है। उन्हें क्यों या उनको क्यों रुकना पड़ता है, रुकना पड़ेगा, ऐसा हमारा सेंटेंस है। उसे कितने किताबें खरीदनी पड़ेंगी, कितनी लेनी होंगी, उसको अब यह रूल करना होगा, करना पड़ेगा। हमें कितने बजे जाना होगा या जाना पड़ेगा, क्या हम सबको बारात में नहीं जाना होगा, ऐसा सेंटेंसेस है। तो हमारे फ्यूचर में कोई ऐसी व्यवस्था है, कोई ऐसा टाइम है, कोई ऐसी मजबूरी है। तो आप हिंदी में एक एक करके सेंटेंस देखते जाइए। जैसे हमारा आठवां नंबर सेंटेंस है, मुझे अभी पढ़ाई करनी होगी, तुम जाओ, तो उसे अभी ये काम करना होगा, करना है। तो जिससे वो किसी को कह रहा है कि वो अभी चले जाए, वो बाद में आएगा, वो उसे घर पे अभी कुछ स्टडी करना होगा। बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म में ही आना पड़ेगा, ऐसा बंधन है कि जब अगली बार आना होगा उनको तो स्कूल यूनिफॉर्म में उस दिन आना होगा। सभी बच्चों को 100-100 रुपये के जो है वो जमा करना के लिए फी वगैरह कुछ है वो आदेश दिया गया है। टिक्कू को घर पर ही रुकना होगा, उसे कह दिया जा रहा है कि उसे उन दिनों जब वो कोई ना हो, फ्यूचर में कभी उतने दिन के लिए घर पर रुकना होगा। पापा मम्मी को गांव जाना पड़ेगा क्या, ऐसा सेंटेंस है, पूछ रहे हैं हाँ या ना, पापा मम्मी को क्या गांव जाना होगा, इस तरह का सेंटेंस है। इसमें कंफ्यूज ना हो आप, क्योंकि जो आप क्या देख रहे हैं वो आखिरी में आया हो, पापा मम्मी को गांव जाना पड़ेगा क्या। जरूरी नहीं है कि हमारा हर सेंटेंस हिंदी में क्या जो हो वो शुरू में ही हो। कभी कभी हम हिंदी के वाक्यों में सेंटेंसेस पीछे आखिरी में भी बोलते हैं। तो हमारे इस तरह के सेंटेंस हैं जो डेली पैटर्न हैं, हम डेली यूज़ करते हैं। पिछले वीडियो के साथ में आप देख सकते हैं, हम हमारे वीडियो में शैल का यूज़ नहीं कर रहे हैं। और आप रिविजन जरूर कर लें, हैज ए टू, हैड टू, इज ए मार टू, हमने जो वाजवर्ड टू के साथ में पिछले वीडियो के साथ में हमने आप देखा है कि किस तरह से हमने सेंटेंसेस बनाए हैं। बहुत सारे सेंटेंसेस आप डेली पैटर्न हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए, जो आप अभी हमारे 12 सेंटेंसेस देख रहे हैं, हम इन्हें अंग्रेजी में अभी बनाएंगे, तो आप इसे समझ पाएंगे कि किस तरह से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन बहुत जरूरी होता है। वैसे हमने पिछले वीडियो में भी आपने देखा है कि हमने इस तरह के सेंटेंस ऐसे सेंटेंसेस बनाए हैं, बोले हैं। तो हमारे जीवन के सेंटेंसेस होते हैं, आप अपनी नोटबुक पेन कॉपी के साथ तैयार रहिए फ्रेंड्स, और इनका अंग्रेजी में देखिए कि किस तरह से विल हैव टू से हम ये सेंटेंसेस बनाने जा रहे हैं, हमारे जीवन में यूज़ करने जा रहे हैं, और हमें क्यों इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो आप अपने स्क्रीन पर जो इसके सेंटेंसेस आएंगे जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करेंगे तो और अच्छा होगा। विच क्लास विल ही हैव टू टीच, उसे किन कक्षा को, किस कक्षा को पढ़ानी होगी, कौन सी कक्षा को पढ़ानी पड़ेगी। Why will he have to stay at office so long? उसको इतनी देर, इतना लंबा ऑफिस में क्यों रुकना पड़ेगा, क्या वजह हो गई है। How many books will he see had to buy? उसे कितनी किताबें खरीदनी पड़ेगी, वहाँ पर आप ही या सी का हाउ मेनी बुक्स विल ही हैव टू बाय या सी विल हैव टू बाय आप कर सकते हैं। हाउ मेनी बुक्स, कितनी किताबें। हम देखिए कलर कोड से आपको अलग अलग रंग को से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो विल हैव है या क्वेश्चन वर्ड है वो आपको कैसे अलग अलग दिखेंगे, क्योंकि हमारे जीवन में हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं, प्रश्न करते हैं, प्रश्न समझना, क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी होता है, तभी तो हम आंसर दे पाएंगे, समझ पाएंगे कि कोई हमसे किस तरह की बातें करना चाह रहा है। हु विल हैव टू डू नाउ दिस रोल, अब कोई रोल है जिसे कोई और करने वाला है तो किसको ये रोल करना पड़ेगा। व्हाट टाइम विल वी हैव टू गो, कितने बजे, किस समय पर हमको जाना होगा, हम पूछना चाह रहे हैं व्हाट टाइम, कितने बजे हमको जाना पड़ेगा। विल वी नॉट हैव टू गो इन बारात या वेडिंग पार्टी, क्या हमको बारात में नहीं जाना पड़ेगा। विल यू नॉट हैव टू वॉश क्लॉथ, क्या तुमको कपड़े नहीं धोने पड़ेंगे। आई विल हैव टू स्टडी नाउ यू गो, मुझे अभी पढ़ने का है, पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो किसी को हम कह रहे हैं कि तुम अभी चले जाओ। स्टूडेंट्स विल हैव टू कम इन स्कूल यूनिफॉर्म, बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म में ही आना पड़ेगा, इसलिए ऐसा आदेश दिया जा रहा है कि सभी बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म में रहना है उस दिन। और स्टूडेंट विल हैव टू डिपॉजिट 100 रुपीज़, सभी बच्चों को 100-100 रुपये की डिपॉजिट करना होगा।
रिक्कू विल हैव टू स्टे एट होम इन इन्फॉर्म या टेल हिम, जो रिक्कू है उसको कह दिया जा रहा है कि वो वहाँ पर जो कभी घर में कोई नहीं अगर होगा फ्यूचर में तो उसे रुकना होगा घर में, तो उसे बता दिया जाए, ऐसा कहा जा रहा है। रिक्कू विल हैव टू स्टे एट होम इन्फॉर्म या टेल हिम। विल पापा मम्मी हैव टू गो टू विलेज, क्या पापा मम्मी को गांव जाना पड़ेगा। तो आप इस तरह के 12 सेंटेंस देख रहे हैं जिसमें आप कलर कोड से अलग अलग देख रहे हैं कि कब हमारे विल हैव या कब हमने क्वेश्चन वर्ड का यूज़ किया है, किस तरह से हमारे जीवन में प्रश्न होते हैं जो हमने यूज़ किया है। तो इस वीडियो में आपके लिए हमने होमवर्क भी रखा है, तो इसी तरह के सेंटेंस आप होमवर्क में खुद भी कर पाएंगे, करने की कोशिश करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि कैसे हमें इंग्लिश में इस तरह के सेंटेंस बोलना पड़ता है, मिक्स करके बोलना पड़ता है। तो जिससे हमने आपके लिए अगले वीडियो में मिक्स सेंटेंसेस लाया है, जहाँ पर आप मिक्स सेंटेंसेस सारे एक साथ देखेंगे कि हम जीवन में कैसे उपयोग करते हैं, कैसे हमें बोलना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को एक बार और चालू करके पिछले सेंटेंसेस फिर से देखें, इस वीडियो को फिर से रिस्टार्ट करें, तो आपकी आप ये सेंटेंसेस को फिर से एक बार और समझ पाएं। किसी जो अभी को आपको कैसे भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो हमारे साथ शेयर करें, कॉमेंट बॉक्स में लिखें, तो हम उस तरह की वीडियो आपके सोल्यूशन वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। आप प्ले लिस्ट में जरूर हमारे चैनल के एक एक पार्ट को, अलग अलग पार्ट को देखते रहें कि जो आपके सेंटेंसेस होंगे हमने आपके लिए रखा है। तो आप जो होमवर्क देखने जा रहे हैं आपके स्क्रीन पर, वो जो सेंटेंसेस होंगे वो आप नोट कर लें। तो यह आपके सेंटेंस स्क्रीन पर आ रहे हैं जो आप एक एक करके नोट करते जाएंगे। सेंटेंसेस हमारे विल हैव टू से ही बनेंगे। फ्रेंड्स, आप हिंदी पढ़ते जाएं, हिंदी हम आपके लिए अब नहीं पढ़ने जा रहे हैं। आप हिंदी देखें कि किस तरह के सेंटेंसेस हो सकते हैं, तो हिंदी के जो मिस्टेक होगी, कोई मात्रा मिस्टेक होगी तो आप उसे इग्नोर कर दें। इग्नोर कर मात्रा मिस्टेक अगर आप चलती है तो वो किस प्रकार की टाइपिंग मिस्टेक कभी हो जाती है, आप इसे इग्नोर कर दें। आपके सामने इस तरह के अभी हमने सेंटेंसेस दिए हैं 10, ये 10 सेंटेंसेस आप सॉल्व करने की कोशिश करें। ये पिछले वीडियो जैसे, पिछले सेंटेंस जैसे ही है, ताकि आप कर पाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेंटेंसेस को आप लिख करके अंग्रेजी बनाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन वर्ड हमने पहले भी पिछले वीडियो में भी पढ़ा है, और होमवर्क आप जरूर करें, आईने के सामने इस तरह के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करें, तो जिससे आपकी प्रैक्टिस बार बार बोल करके होती जाएगी। आपके बोलने के साथ में जिस तरह की प्रैक्टिस आप करते जाएंगे, जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फ्यूचर में। और हम जो पैटर्न यूज़ कर रहे हैं फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम विल हैव टू से पैटर्न यूज़ कर रहे हैं। हम फ्यूचर में कोई घटना, कोई मजबूरी, कुछ इंसिडेंट, कोई ऐसी चीज़ दिखाना जा रहे हैं जो हमें शायद कभी मजबूरी में ऐसा करना हो गया है, करना पड़ गया है। तो फ्रेंड्स, आप इन सेंटेंसेस को एक बार और, पूरे वीडियो को, इस वीडियो को एक बार और चला करके देखें, फिर से देखें सेंटेंसेस, तो आपके सामने जो ये सेंटेंसेस हैं, 10 सेंटेंसेस हैं, आप इसे होमवर्क में आसानी से कर पाएंगे। और आपकी प्रॉब्लम, आपके सेंटेंसेस हमारे साथ होमवर्क जरूर शेयर करें, ताकि हम देख पाएं कि आपने किस तरह से सेंटेंसेस बनाने की कोशिश की है। कीप वॉचिंग सरल इंग्लिश गुरु, आई स्टेप टुवर्ड्स इंग्लिश पर। सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक एंड कमेंट, प्रेस बेल आइकॉन सो दैट यू कैन गेट लेटेस्ट वीडियो। शेयर योर नॉलेज विद अस, मेक योर ग्रुप लार्जर एंड बेटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।